भटक भटक मैं थक गया, टूटे आया तार, ऊंची नीची घाटियां, जिला औरंगाबाद। ना मिले मुझे जीत दिया, खान पान चिंता नहीं नहीं जिलम की जान, कहा युवक ने जान दे रखो भरोसा आज, मानुष तुम पीक दे करो सतविश्वास, क्या घाटी के पास तू घोड़ी करती खास, जो सोया मिल जाएगा अब क्यों हो चूरा, छोटी मोटी चीज है हाथी घोड़ा ताज, मायूस तुम रहे नहीं यदि पास, तुम सांसारी जीव हो रखते बेहद मोह, नाशवान सी चीज का सह सकते न बिछो, करते इतना श्रम अगर मेरे भाई जान, रूठा रब भी मानता सुनता वह परियार, क्षण भंगुर की खोज में करते शम को व्यर्थ, सार्थकता की खोज ही है जीवन का अर्थ, इतना कह पा दिल उठे पहुँचे झाड़ी पास, देखा जो ही सामने घोड़ी कर दी था, कोई घोड़ी मिल गई चाली गले लगाम, कोई घोड़ी मिल गई चाली गले लगाम, बाग बाग दिल कहे उठा साई तुझे सलाम, घोड़ी लेकर आ गया चांद युवक के पास, घोड़ी लेकर आ गया चांद युवक के पास, चरणों में सर झुक गया विश्वास, ऊंची नीची घाटियां जिला औरंगाबाद, भक्ति युग का सूर्य उगा कोटाधीर निनाद, ऊंची नीची घाटियां जिला औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, भाई जिला औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बोलिए साईनाथ महाराज की जय, जय श्री साईनाथ, जय श्री बाबा की कृपा बनी है सब भक्तों पर, जय सहराम, जय सहराम, आप सबका स्वागत है, आप यहाँ बाबा के इस अनूठे मुकाम में कार्यक्रम में आए हैं जो पंजाब में पहली बार ही हो रहा है, श्री साईं साईं बाबा मंदिर बाबा लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और हमको आशीर्वाद दिया। जैसा कि बाबा की कृपा से हम चार अध्याय कर चुके हैं, पांचवें अध्याय तक पहुंच गए हैं, पांचवें अध्याय में भगवत प्राप्ति है, जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो भगवत प्राप्ति भी हो जाती है, वो उसका फल है, हर चीज का किसी भी कर्म का पुण्य पर फल होता है, भगवत प्राप्ति का फल भगवत भक्ति से ही है। काका साहब दीक्षित सुबह सुबह भोर में भगवान विट्ठल के ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि विट्ठल स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। आप जानते हैं विट्ठल कौन है, कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करेंगे, भगवान विट्ठल कौन है, कोई नहीं जानता,
वो जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विठल कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर में। ये बहुत बड़ी कथा है भगवान कृष्ण की। रुक्मणी को ढूंढते हुए जंगलों में गए थे। बहुत अच्छी कथा है, आप सुनिएगा देखिएगा। वक्त का वाह वाह नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के विठल के ध्यान में मग्न थे। उन्होंने क्या देखा कि विठल स्वयं काटी पे हाथ, क्योंकि वहां पर जो भगवान है वो इसी प्रकार की उनकी इसी प्रकार से खड़े होकर भक्त को देख रहे थे। गले में तुलसी की माला पहनी थी। उन्होंने जब विठल को देखा आत्म विभोर हो गए, खुश हो गए, आंख खुली, भागे हुए मस्जिद में गए बाबा के पास में। बाबा से बोले, बाबा को जाके बताना चाह रहे थे कि आज विठल स्वयं दर्शन देके गए हैं, क्योंकि मैं शिरडी में आपके चरणों में हूं। उससे पहले बोलते बाबा ने स्वयं पूछा उसे, क्या विठल स्वयं आए थे ना, तुम्हें दर्शन अच्छे हुए ना उनके? तो काका साहब दीक्षित ने कहा कि विठल को लाने वाले भी आप हैं। इस जग में जो कुछ भी हो रहा है सब के सूत्रधार आप ही हैं। हम कठपुतली का नृत्य देखकर समझते हैं कि कठपुतली आई नृत्य कर रही है, लेकिन उसके सूत्रधार को बाजीगर को भूल जाते हैं। वो बाजीगर सूत्रधार इस दुनिया के आप ही हैं। आप जैसा चाहते हैं ईश्वर को भी वैसा करना पड़ता है। बोलिए साईं नाथ महाराज की। आइए इस सुंदर कथा को दोहे के रूप में गाकर आपके सामने मंजीत जी प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय। आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है दूर दूर तक, जो भी हम कह रहे हैं गा रहे हैं सबको सुनाई दे रहा, तो हाथ खड़े करके बोलिए साईं नाथ महाराज की। सत्संग जी ये जड़ा बाबा का भजन है अध्याय पांच, ये बहुत सुंदर धुन है, बहुत सुंदर शब्द है, मेरे दिल दे बहुत करीब है, सारे दिल दे मेरे बहुत करीब नहीं, लेकिन तुसी अदे शब्द सुनो अदे धुन सुनो आप जी को बहुत आनंद आएगा, बहुत सोलफुल चीज है। नागर ब्राह्मण पंत थे, दीक्षित अति विद्वान, अंग्रेजी का था भरा कूट कूट कर श्री चरणों में बस गए, दीक्षित शिरडी गांव, आध्यात्म में उत्कर्ष मिले पावन साईं। नागर ब्राह्मण पंत थे, दीक्षित अति विद्वान, अंग्रेजी का था भरा कूट कूट कर ज्ञान, श्री चरणों में बस गए, दीक्षित शिरडी होने वाली भोर,
पर दोनों हाथ थे, पहले उतनी मार विठल की छवि देख के दीक्षित हुए निहार। मन ही मन कहने लगे दीक्षित करती दार, साईं के आशीष का यह अद्भुत उपकार, यह अद्भुत उपकार। गुरु साईं ने दिया आध्यात्मिक उत्कर्ष, हरि दर्शन अवसर मिला रोम रोम में हर्ष। मैं इस लायक था नहीं ना मेरी औकात, योगे बनाया बाबा अपने भेंट हुई साक्षात। श्री चरणों में शीश रख झुक कर किया प्रणाम, हृदय में झनकार उठी बाबा तुझे सलाम। से धन्य हुए तुम आज, दर्शन विठल के हुए सर पर जिसके ताज। सतवाड़ी के सेव हैं पाटिल जिनका नाम, संत हृदय में बसे करे वही विश्राम। करता जो सबका भला सदा सवारे काम, दर्शन देने के लिए चल कर आए श्याम, चल कर श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सातवें अध्याय तक पहुंच गए, छठे अध्याय तक पहुंच गए। आप सब लोग जानने के बहुत उत्सुक होंगे कि बाबा कौन थे, कहां से आए थे। इस अध्याय में शेरी वासियों ने जब बाबा नीम वृक्ष नीचे आके बैठा करते थे, छोटे से थे, दुख खेड़ा से आए थे, तो नीम वृक्ष के नीचे बैठते थे तो उनसे आने जाने वाले शेरी वासी प्रश्न किया करते थे कि आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आप कहां से आए हैं, इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। और बाबा उन्हें क्या जवाब देते, इसे मंजीत जी बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने श्री चरणों में पेश करते हैं कि बाबा कौन थे, कहां से आए थे। बाबा के स्वयं मुख से आप सुनिएगा, बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और साई ज्ञानेश्वरी पाठ होने के बाद 10 बजे मुकेश हिनायत जी आपके बीच में आएंगे, सुखी सिंगर जो साई इच्छा तक चलेगा, इसलिए साई ज्ञानेश्वरी का पाठ बड़े ही मन से सुनिए। ये अद्भुत पहली बार मेरे अंदर से जालंधर में हो रहा है,
और ये बाबा की कृपा से ही, क्योंकि साई चरित्र का जिसने पढ़ा है, तो आप एक बार साई चरित्र पढ़िए और साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से शब्द जो गा रहे हैं इनको विशेष करके ध्यान रखिए कि बाबा की कैसी लीला और हम लोगों के लिए बाबा ने कैसी कैसी लीला करके कैसे आए। इसलिए तालियों का अपने हाथ मंदिर के सामने बैठे जावरी मंदिर के सामने, इसलिए ये दरबार वो नहीं लगाया कि मूर्तियां लाके लगा दी बाबा स्वयं जो शिरडी में। और एक और खूबी की बात है कि चावड़ी मंदिर, मंदिर बहुत बने करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के बने, लेकिन सिर्फ चावड़ी का स्वप्न इस कालिया कॉलोनी में जो ईसाई सेवा समिति के मंदिर में बाबा ने दिया है, तो चावड़ी सिर्फ पूरे भारत में अगर मानोगे तो चावड़ी मंदिर एक ही है शिरडी के बाद। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। बोले साईनाथ महाराज की। ऐसे ही गिरडी में साई सेवा आश्रम में द्वारका माई की स्थापना, जो मेन स्थापना वो बाबा का बैठने वाला स्वरूप वहां पे स्थापना। तो ये हमारा परिवार है जालंधर गिरडी और शिरडी। बोलो साईनाथ महाराज की। तो मुकेश जी इनायत भी आपके बीच में आएंगे 10 बजे, इसलिए सब लोग आज बाबा की मस्ती लेने के लिए बैठे रहिए और साई ज्ञानेश्वरी का पूरा आनंद, क्योंकि मंजीत जी की आवाज में वास्तव में बाबा स्वयं बैठे हुए आज ऐसा लग रहा है। आप लोगों के चेहरे की जो भाव है, आप लोगों के चेहरे का जो उत्साह है, और जिस माध्यम से, क्योंकि आज मुझे लग रहा नहीं कि आप लंगर के लिए भंडारे के लिए बैठे, आज ऐसा लग रहा है कि आप साईं को पाने के लिए बैठे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो साईनाथ महाराज की जय हो। मेरे बाबा से सब पूछते कहां से आए आप। इसमें तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा आने वाले हैं, बाबा का रूप दिखा रहे हैं आपको, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, सारे मिलकर बजाएंगे। मेरे साईं से सब पूछते कहां से आए आप, कौन मात है आपकी, कौन आपके बाप, अरे घर कहाँ और दर कहाँ, करते कहाँ निवास, कहाँ ठिकाना आपका, किस दरवास प्रवास। ओ, 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 साईं से सब पूछते कहां से आए आप। तालियां तालियां। कौन मात है आपकी, कौन आपके बाप, हर घर कहां और घर कहां, करते कहां निवास, कहां ठिकाना आपका, किस दरवाज प्रवास। कृपया आप बताइए हमको अपना नाम, कृपया आप बताइए हमको अपना नाम, धरा धाम पर आपके आने का क्या काम, धरा धाम पर आपके आने का क्या काम। अद्भुत रूप फकीर का, लगे चांद है चांद, आए आप जमीन से या उनका अवतार, भांति भांति के प्रश्न से मन में उठे हिलोर, भांति भांति के प्रश्न से मन में उठे हिलोर, उत्तर में है गूंजता जैसे बादल जोर, उत्तर में है गूंजता जैसे बादल जोर, होता मानस खिन्न है प्रश्नों की बौछार, साईं सहज जवाब दे बरसे बारिशदार, साईं कहते लोक से मेरा घर ना द्वार, साईं कहते लोक से मेरा घर ना द्वार, हाँ ठिकाना कुछ नहीं ना मेरा संसार, हाँ ठिकाना कुछ नहीं ना मेरा संसार, निर्गुण मेरा मूल है धरा सगुण आकार, मैं भी कर्मों से बना पाया तन साकार, पंचभूत से है बना तन का यह दरिया, पंचभूत से है बना तन का यह दरिया,
उसके भीतर तैरती प्राणों की चिकनाओ, मेरा घर ब्रह्मांड है धरा निवासा, जन जन बंधु है मेरा सब में मुझको जान, ईश्वर ने मुझको रचा ईश्वर मेरा नाथ, ईश्वर मेरा नाथ, सर्जक पालक है वही उसका सर पर हाथ, सर्जक पालक है वही उसका सर पर हाथ, माया शक्ति ईश की रचती है ब्रह्मा, मेरी जननी है वही उसकी शक्ति प्रकाश, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, क्योंकि साईं से सब पूछते कहाँ से आए आप, साईं से सब पूछते कहाँ से आए आप, कौन बात है आपकी कौन आपके बाप, कौन बात है आपकी कौन आपके बाप, अरे घर कहाँ और पर कहाँ करते कहाँ निवास, कहाँ ठिकाना आपका किस दरवाज़े प्रवास, किस दरवाज़े प्रवास बाबा 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 किस दरवाज़े प्रवास, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कहते हैं कि मैं मेरा घर हूं, निर्गुण हूं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा घर है, और मैंने सगुण अवतार सगुण रूप प्रेम के खातिर तुम्हारे प्रेम के खातिर लिया है, भक्तों के प्रेम के खातिर लिया है, और बाबा ने ज्ञानेश्वरी उनकी प्रेरणा से लिखी गई उनकी दिव्य अनुभूति हुई, और ये ज्ञानेश्वरी बाबा की रचित हुई, उसके सिरदर हार वही है। इस अध्याय के अंदर में साईं का ईश्वर है दास गुरु महाराज, जिनकी तीन किताबों से भक्ति लीला अमृत भक्ति सार अमृत संकथा अमृत से इसकी रचना हुई, और स्तवन मंजरी जो बाबा की महासमाधि के 37 दिन पहले दास गुरु ने उनके कार कमलों में दी थी, ये सातवां अध्याय दास गुरु महाराज ने दीनहीन बनकर उनकी शरण में गए थे, उनके ब्राह्मण थे वो उनको मुस्लिम फकीर समझते थे, कि इस तवन मंजरी 37 दिन पहले उन्होंने बाबा की उपासना इस विश्व के विष्णु भगवान जो पालक है पूरे ब्रह्मांड के उनके रूप में करी है। आइए हम लोग भी बाबा के शरणागत कबूल करके उनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं, हम दीनहीन हैं बाबा आप हमारी रक्षा करो, आप हमें अपनी शरण दो, किस प्रकार प्रार्थना बाबा से करनी चाहिए, इस साई के ऐश्वर्य आज मस्जिद की भाटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दीनहीन के नाथ तुम पतितों के आधार, करुणा की बरसात से
करते जग उधार। शरणागत जो हो गया चिंता गई सब बीत, छाया कष्टों की घनी ना करती भयभीत। जन्म मरण की श्रृंखला जकड़े कभी ना पाओ, साईं जय हो आपकी देना मंगल छाओ। जो सत्संग जी मिठी मिठी तालियां ए भजन दे नाल। दीन हीन के नाथ तुम पतितों के आधार, दीन हीन के नाथ तुम पतितों के आधार, करुणा की बरसात से करते जग उधार। शरणागत जो हो गया चिंता गई सब भी, छाया कष्टों की घनी ना करती भयभी। जन्म मरण की श्रृंखला जकड़े कभी ना पाओ, साई जय हो आपकी देना मंगल छाओ। बंधन भव भव दुखा कटे जो आए इस द्वार, चरण कमल में सर धरे होता मेरा पार। बाबा दो मैं आ गया तज अपना संसार, चरण कमल में मैं रहूं अर्ज करो स्वीकार। साई रूप फकीर का है कोई अवतार, नारायण नर में बसे प्रकट हुए संसार। साई सूरज दिव्य है ज्ञान गगन विस्तार, साई करुणा सिंधु है बहती कृपाधार, बहती कृपाधार। इंसान चिंता में है लगे सतगुरु साई महान, साई रतन अमोल है साई हृदय विशाल। चिंता मणि चिंता करे सदा रखे संवार, शरणागत को धरती साई गंगा धार। कलुष मन निर्मल करे पावन करे पठार, सागर से संसार में साई होता नाम सवार जो पार न पाता हो। साथ से कोई जिसे साई देते साथ, आगे बढ़कर काम के असहायों के हाथ। बाबा असहायों के हाथ, असहायों के हाथ। बाबा असहायों के हाथ, असहायों के हाथ। बाबा असहायों के हाथ, असहायों के हाथ। असहायों के हाथ बाबा, असहायों के हाथ, असहायों के हाथ बाबा, असहायों के हाथ। ओ बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। लगता है आप लोगों को नींद आ रही है, किसी के भी हाथ खड़े नहीं हुए। हाथ खड़े जब तक नहीं करोगे तकदीरें नहीं बदलेंगी। ये रेखा है ना, रेखा फटक फटक में थक गया टूटे आशा तार, ऊंची नीची घाटियां जिला औरंगाबाद।
खान पान चिंता नहीं नहीं जिलम की जान, कहा युवक ने जान से रखो भरोसा आज, सलमान सुखम ठीक दे करो सत विश्वास, जा घाटी के पास तू घोड़ी चढ़ती खास, जा घाटी के पास तू घोड़ी चढ़ती खास, जो सोया मिल जाएगा अब क्यों हो दूरा, छोटी मोटी चीज है हाथी घोड़ा ताज, छोटी मोटी चीज है हाथी घोड़ा ताज, हो जाते मायूस तुम रहे नहीं यदि बात, तुम का सारी जीव हो रखते बेहद मोर, नाशवान सी चीज का सह सकते न बिछो, करते इतना श्रम अगर मेरे भाई जान, करते इतना श्रम अगर मेरे भाई जान, रूठा रब भी मानता सुनता वह फरियाद, शरभंगुर की गोद में करते श्रम को व्यर्थ, शरभंगुर की गोद में करते श्रम को व्यर्थ, सार्थकता की खोज ही है जीवन का अर्थ, इतना कह पा दिल उठे पहुँचे झाड़ी पास, देखा जो ही सामने घोड़ी चलती था, कोई घोड़ी मिल गई चाली गले लगाम, कोई घोड़ी मिल गई चाली गले लगाम, बाग बाग दिल कहे उठा साई तुझे सलाम, घोड़ी लेकर आ गया चांदी युवक के पास, घोड़ी लेकर आ गया चांदी युवक के पास, चरणों में सर झुक गया जमा पूर्ण विश्वास, ऊंची नीची घाटियां जिला औरंगाबाद, भक्ति युग का सूर्य उगा कोटा धीर निनाद, ऊंची नीची घाटियां जिला औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बोलिए साईनाथ महाराज की जय, जय 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 जय, बाबा की कृपा बनी रहे सब भक्तों पर, जय साईनाथ, जय साईनाथ, आप सबका स्वागत है, आप यहाँ बाबा के इस अनूठे प्रोग्राम में कार्यक्रम में आए हैं जो पंजाब में पहली बार ही हो रहा है, श्री साईं साईं बाबा मंदिर बाबा लाल साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और हमको आशीर्वाद दिया। जैसा कि बाबा की कृपा से हम चार अध्याय कर चुके हैं, पांचवें अध्याय तक पहुंच गए हैं, पांचवें अध्याय में भगवत प्राप्ति है, जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो भगवत प्राप्ति भी हो जाती है, वो उसका फल है, हर चीज का किसी भी कर्म का कोई ना कोई फल होता है, भगवत प्राप्ति का फल भगवत भक्ति से ही है। काका साहब दीक्षित सुबह सुबह भोर में भगवान विट्ठल के ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि विट्ठल स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। आप जानते हैं विट्ठल कौन है, कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करेंगे, भगवान विट्ठल कौन है, कोई नहीं जानता, भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर में, ये बहुत अच्छी बड़ी कथा है, भगवान कृष्ण की रुक्मणी को ढूंढते हुए जंगलों में गए थे, बहुत अच्छी कथा है, आप सुनिएगा देखिएगा, वक्त कहाँ कहाँ सा वाह वाह नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण के विट्ठल के ध्यान में मग्न थे, उन्होंने क्या देखा कि विट्ठल स्वयं काटी पे हाथ, क्योंकि वहां पर जो भगवान है वो इसी प्रकार की उनकी इसी प्रकार से खड़े होकर भक्त को देख रहे थे, गले में तुलसी की माला पहनी थी, उन्होंने जब विट्ठल को देखा आत्म विभोर हो गए, खुश हो गए, आंख खुली,
बाकी वो मस्जिद में गए बाबा के पास में और बाबा से बोले, बाबा को जाके बताना चाह रहे थे कि आज विठल स्वयं दर्शन देके गए हैं क्योंकि मैं शिरडी में आपके चरणों में हूं। उससे पहले बोलते बाबा ने स्वयं पूछा उसे, क्या विठल स्वयं आए थे ना, तुम्हें दर्शन अच्छे हुए ना आपके? तो काका साहब दीक्षित ने कहा कि विठल को लाने वाले भी आप हैं। इस जग में जो कुछ भी हो रहा है सब के सूत्रधार आप ही हैं। हम कठपुतली का नृत्य देखकर समझते हैं कि कठपुतलियां ही नृत्य कर रही हैं, लेकिन उसके सूत्रधार को बाजीगर को भूल जाते हैं। वो बाजीगर सूत्रधार इस दुनिया के आप ही हैं। आप जैसा चाहते हैं ईश्वर को भी वैसा करना पड़ता है। बोलिए साईनाथ महाराज की। आइए इस सुंदर कथा को दोहे के रूप में गाकर आपके सामने मंजीत जी प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है दूर दूर तक, जो भी हम कह रहे हैं गा रहे हैं सबको सुनाई दे रहा, तो हाथ खड़े करके बोलिए साईनाथ महाराज की। सत्संग जी ए जड़ा बाबा का भजन है अध्याय पांच, ए बहुत सुंदर धुन है, बहुत सुंदर शब्द ने, मेरे दिल दे ही बहुत करीब है, सारे ही दिल दे मेरे बहुत करीब है, लेकिन तुसी यदि शब्द सुनो यदि धुन सुनो आप जी को बहुत आनंद आएगा, बहुत सोलफुल चीज है। नागर ब्राह्मण पंत थे दीक्षित अति विद्वान, अंग्रेजी का था भरा कूट कूट कर श्री चरणों में बस गए दीक्षित शिरडी गांव, आध्यात्म में उत्कर्ष मिले पावन साईं नागर ब्राह्मण पंत थे दीक्षित अति विद्वान, अंग्रेजी का था भरा कूट कूट कर ज्ञान, श्री चरणों में बस गए दीक्षित शिरडी पर दोनों हाथ थे पहने तुलसी माल, विठल की छवि देख के दीक्षित हुए निहाल, मन ही मन
कहने लगे दीक्षित करती दार साईं के आशीष का यह अद्भुत उपकार यह अद्भुत उपकार गुरु साईं ने दिया आध्यात्मिक उत्कर्ष हरि दर्शन अवसर मिला रोम रोम में हर्ष मैं इस लायक था नहीं ना मेरी औकात योगे बनाया बाबा आपने भेद हुई साक्षात श्री चरणों में शीश रख झुक कर किया प्रणाम हृदय में झनकार उठी बाबा तुझे सलाम से धन्य हुए तुम आज दर्शन विठल के हुए सर पर जिसके ताज सतवाड़ी के सेव है पाटिल जिनका नाम संत हृदय में वे बसे करे वही विश्राम करता जो सबका भला सदा सवारे काम दर्शन देने के लिए चल कर आए श्याम चल कर श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सातवें अध्याय तक पहुंच गए छठे अध्याय तक पहुंच गए। आप सब लोग जानने के बहुत उत्सुक होंगे कि बाबा कौन थे कहां से आए थे। इस अध्याय में शेरी वासियों ने जब बाबा नीम वृक्ष नीचे आके बैठा करते थे छोटे से थे दूध खेड़ा से आए थे तो नीम वृक्ष के नीचे बैठते थे तो उनसे आने जाने वाले शेरी वासी प्रश्न किया करते थे कि आप कौन हैं आपके माता पिता कौन हैं आप कहां से आए हैं इस प्रकार का प्रश्न करते और बाबा उन्हें क्या जवाब देते। इसे मंजीत जी बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने श्री चरणों में पेश करते हैं कि बाबा कौन थे कहां से आए थे बाबा के स्वयं मुख से आप सुनिएगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और साई ज्ञानेश्वरी पाठ होने के बाद 10 बजे मुकेश इनायत जी आपके बीच में आएंगे सुप्रिय सिंगर जो साई इच्छा तक चलेगा। इसलिए साई ज्ञानेश्वरी का पाठ बड़े ही मन से सुनिए। ये अद्भुत पहली बार मेरे अंदर से जालंधर में हो रहा है और ये बाबा की कृपा से ही क्योंकि साई चरित्र का जिसने पढ़ा है तो आप एक बार साई चरित्र पढ़िए और साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से शब्द जो गा रहे हैं इनको विशेष करके ध्यान रखिए कि बाबा की कैसी लीला और हम लोगों के लिए बाबा ने कैसी कैसी लीला करके कैसे आए। इसलिए तालियों का अपने हाथ
मंदिर के सामने बैठे जाओरी मंदिर के सामने, इसलिए ये दरबार उन्हें लगा है कि मूर्तियां लाके लगा दी बाबा स्वयं जो शिरडी में। और एक और खूबी की बात है कि चावड़ी मंदिर, मंदिर बहुत बने करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के बने, लेकिन सिर्फ चावड़ी का स्वप्न इस कालिया कॉलोनी में जो ईसाई सेवा समिति के मंदिर में बाबा ने दिया है, तो चावड़ी सिर्फ पूरे भारत में अगर मानोगे तो चावड़ी मंदिर एक ही है शिरडी के बाद। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। बोले साईनाथ महाराज की। ऐसे ही गिरडी में साई सेवा आश्रम में द्वारका माई की स्थापना, जो मेन स्थापना वो बाबा का बैठने वाला स्वरूप वहां पे स्थापना। तो ये हमारा परिवार है जालंधर गिरडी और शिरडी। बोले साईनाथ महाराज की। तो मुकेश जी इनायत भी आपके बीच में आएंगे 10 बजे, इसलिए सब लोग आज बाबा की मस्ती लेने के लिए बैठे रहिए और ईसाई ज्ञानेश्वरी का पूरा आनंद, क्योंकि मंजीत जी की आवाज में वास्तव में बाबा स्वयं बैठे हुए हैं आज, ऐसा लग रहा है। आप लोगों के चेहरे की जो भाव है, आप लोगों के चेहरे का जो उत्साह है, और जिस माध्यम से, क्योंकि आज मुझे लग रहा नहीं कि आप लंगर के लिए भंडारे के लिए बैठे, आज ऐसा लग रहा है कि आप साईं को पाने के लिए बैठे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो साईनाथ महाराज की जय हो। मेरे बाबा से सब पूछते कहां से आए आप। इसमें तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, बाबा आने वाले हैं, बाबा का रूप दिखा रहे हैं आपको, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, सारे मिलकर बजाएंगे। मेरे साईं से सब पूछते कहां से आए आप, कौन मात है आपकी, कौन आपके बाप, अरे घर कहाँ और दर कहाँ, करते कहाँ निवास, कहाँ ठिकाना आपका, किस दरवास प्रवास। ओ साईं से सब पूछते कहां से आए आप, तालियां तालियां। कौन मात है आपकी, कौन आपके बाप, है आपकी कौन आपके बाप, अरे घर कहां और दर कहां, करते कहां निवास, कहां ठिकाना आपका, किस दरवाज प्रवास। कृपया आप बताइए हमको अपना नाम, कृपया आप बताइए हमको अपना नाम, घर धाम पर आपके आने का क्या काम, घर धाम पर आपके आने का क्या काम। अद्भुत रूप फकीर का लगे चांद है चार, आए आप जमीन से या उतरा अवतार, भाती भाती के प्रश्न से मन में उठे हिलोर, भाती भाती के प्रश्न से मन में उठे हिलोर, उत्तर में है गूंजता जैसे बादल जोर, उत्तर में है गूंजता जैसे बादल जोर, होता मन से खिन्न है प्रश्नों की बौछार, साईं सहज जवाब से बरसे बारिशदार, साईं कहते लोक से मेरा घर ना द्वार, साईं कहते लोक से मेरा घर ना द्वार, ठाउं ठिकाना कुछ नहीं ना मेरा संसार, ठाउं ठिकाना कुछ नहीं ना मेरा संसार, निर्गुण मेरा मूल है धरा सगुण आकार, मैं भी कर्मों से बना पाया तन साकार, पंचभूत से है बना तन का यह दरिया, पंचभूत से है बना तन का यह दरिया, उसके भीतर तैरती प्राणों की चिकनाओ, उसके भीतर तैरती प्राणों की चिकनाओ, मेरा घर ब्रह्मांड है धरा निवास, जन जन बंधु है मेरा सब में मुझको जान,
ईश्वर ने मुझको रचा ईश्वर मेरा नाथ, ईश्वर ने मुझको रचा ईश्वर मेरा नाथ, सर्जक पालक है वही उसका सर पर हाथ, सर्जक पालक है वही उसका सर पर हाथ, माया शक्ति की शिंगी रचती है ब्रह्मा, मेरी जननी है वही उसकी शक्ति प्रकार, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, ईश्वर माया योग से पाया तन साकार, जैसी इच्छा ईश की मिला वही आकार, क्योंकि साईं से सब पूछे कहाँ से आए आप, साईं से सब पूछे कहाँ से आए आप, कौन बात है आपकी कौन आपके बाप, कौन बात है आपकी कौन आपके बाप, हर घर कहाँ और पर कहाँ करते कहाँ निवास, कहाँ ठिकाना आपका किस दरवाज प्रवास, किस दरवाज प्रवास बाबा किस दरवाज प्रवास, किस दरवाज प्रवास बाबा किस दरवाज प्रवास, किस दरवाज प्रवास बाबा किस दरवाज प्रवास, दरवाज प्रवास बाबा किस दरवाज प्रवास, किस दरवाज प्रवास बाबा किस दरवाज प्रवास, दरवाज प्रवास बाबा सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूं, निर्गुण हूं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा घर है, और मैंने सगुण अवतार सगुण रूप प्रेम के खातिर तुम्हारे प्रेम के खातिर लिया है, भक्तों के प्रेम के खातिर लिया है, और बाबा ने ज्ञानेश्वरी उनकी प्रेरणा से लिखी गई उनकी दिव्य अनुभूति हुई, और ये ज्ञानेश्वरी बाबा की रचित हुई, उनके सिरधार वही है। इस अध्याय के अंदर में साईं का ईश्वर है दास गुरु महाराज, जिनकी तीन किताबों से भक्ति लीला अमृत भक्ति सार अमृत संकथा अमृत से इसकी रचना हुई, और स्तवन मंजरी जो बाबा की महासमाधि के 37 दिन पहले दास गुरु ने उनके कर कमलों में दी थी, ये सातवां अध्याय दास गुरु महाराज ने दीनहीन बनकर उनकी शरण में गए थे, उनके ब्राह्मण थे वो उनको मुस्लिम फकीर समझते थे, कि इस तवन मंजरी 37 दिन पहले उन्होंने बाबा की उपासना इस विश्व के विष्णु भगवान जो पालक हैं पूरे ब्रह्मांड के उनके रूप में करी है। आइए हम लोग भी बाबा के शरणागत कबूल करके उनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं, हम दीनहीन हैं बाबा आप हमारी रक्षा करो, आप हमें अपनी शरण दो, किस प्रकार प्रार्थना बाबा से करनी चाहिए इस साईं के ऐश्वर्य आज मंजीत की भाभी आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। दीनहीन के नाथ तुम पतितों के आधार, करुणा की बरसात से करते जग उधार, शरणागत जो हो गया चिंता गई सब बीत, छाया कष्टों की घनी
ना करती भयभीत। जन्म मरण की श्रृंखला जकड़े कभी ना पाओ, साई जय हो आपकी देना मंगल छाओ। क्यों साध संगत जी मिठी मिठी तालियां ए भजन दे नाल। दीनहीन के नाथ तुम पतितों के आधार, दीनहीन के नाथ तुम पतितों के आधार, करुणा की बरसात से करते जग उधार, शरणागत जो हो गया चिंता गई सब भी, छाया कष्टों की घनी ना करती भयभी। जन्म मरण की श्रृंखला जकड़े कभी ना पाओ, साईं जय हो आपकी देना मंगल नाओ। बंधन भव भव दुखा कटे जो आए इस द्वार, चरण कमल में सर धरे होता मेरा पार। बाबा लो मैं आ गया तज अपना संसार, चरण कमल में मैं रहूं अर्ज करो स्वीकार। साईं रूप फकीर का है कोई अवतार, नारायण नर में बसे प्रकट हुए संसार। साईं सूरज दिव्य है ज्ञान गगन विस्तार, साईं करुणा सिंधु है बहती कृपा धार, बहती कृपा धार। इंसान हित चिंता में है लगे सतगुरु साईं महान, साईं रतन अमोल है साईं हृदय विशाल, चिंता मणि चिंता करे सदा रखे संवार। शरणागत को पुकारती साईं गंगा धार, कलुष मन निर्मल करे पावन करे पार। सागर से संसार में साईं कोई जिसे साईं देते साथ, आगे बढ़कर काम के असहायों के हाथ। बाबा असहायों के हाथ, असहायों के हाथ, 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 बाबा असहायों के हाथ। ओ बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। लगता है आप लोगों को नींद आ रही है, किसी के भी हाथ खड़े नहीं हुए। हाथ खड़े जब तक नहीं करोगे तकदीरें नहीं बदलेंगी। ये रेखा है ना, रेखा।